हाय फ्रेंड्स, थ्रीज किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं वेज नूडल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसे ऑडियो के साथ शेयर करें, तो मैं आज उनके लिए ये शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम वेजीज़ को कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं अनियन को स्लाइस में कट कर ले रही हूँ। अब हम शिमला मिर्च को कट कर लेंगे। एक छोटा शिमला मिर्च इस तरह से लंबाई के आकार में कट कर लेना है। थोड़ा सा पत्ता गोभी कट कर लेना है। एक छोटा गाजर इस तरह से कट कर लेना है। पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके फिर इस तरह से लंबाई के आकार में कट कर लिया है मैंने। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन कट कर लेना है। अब हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, और उसमें हम नूडल को ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करना है, और इसे हम 5 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। तो ये नूडल का नाम है गोल्डन ड्रैगन हक्का नूडल। इस ये 5 मिनट के बाद देखिए बॉईल हो चुका है। आप इसे तोड़कर देख सकते हो, इजीली टूट रहा है, मतलब ये बॉईल हो चुका है। इसका पानी स्ट्रेन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया। अब इसे वापस हम दूसरे पानी में, मतलब नॉर्मल टैप वाटर में ऐड करेंगे। इसे हम इस तरह से चलाते हुए इसका पानी वापस से स्ट्रेन कर देंगे। अब हम दोबारा इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। आप इस तरह से पानी को स्ट्रेन नहीं करते हुए डायरेक्ट छन्नी में रख के और ऊपर से पानी ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर नूडल हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, बिल्कुल सेपरेट है, स्टिकी नहीं बॉईल हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म कर लिया, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें अब स्लाइस अनियन ऐड कर देना है। इसे कुछ देर के लिए हम पका लेंगे। अब गाजर ऐड कर देना है। जो वेजीज हमने कट करके रखी है वो एक के बाद एक इसमें ऐड करते जाएंगे। पत्ता गोभी ऐड कर दिया है मैंने, शिमला मिर्च भी ऐड कर देना है। तो इसी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। और हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें सब्जियां नूडल्स में क्रंची क्रंची ही अच्छी लगती है खाने में। तो सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ नूडल ऐड कर देंगे। और तो यहाँ पर इसे मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस ऐड करना है। डार्क सोया सॉस की जगह आप लाइट वाला भी यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड कर देना है। अगर आपके पास ग्रीन चिल्ली सॉस नहीं है तो आप 2 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस ऐड कर दीजिए। 1 टीस्पून वेनेगर ऐड कर दिया है मैंने। अगर आपके पास वेनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह 1 टीस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है मैंने, और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड कर देना है। और इसे हम 2 स्पून की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया, आप देख सकते हो, या फिर इस तरह से आप टॉस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर नूडल बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा वेज नूडल। तो इसे मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ, और इसे हम शेजवान चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो टोमेटो सॉस ऊपर से डालकर इसे इंजॉय करें, या फिर साथ में ही मिला लें। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा वेज नूडल बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।